गुड मॉर्निंग गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नए साल की आपको और आपकी पूरी टीम को भी ढेरों शुभकामनाएं सर। अच्छे मौके पर जुड़ रहे हैं आप। पिछला साल तो हमारा बहुत ही शानदार रहा बाजार के लिए, इस साल के लिए आपका क्या नजरिया, पहले ये बताइए। आपको भी नए साल की काफ़ी मुबारकबाद और सारे इन्वेस्टर्स को। निफ्टी आप देखिए करीबन 19% अप रहा जी, और स्मॉल कैप इंडेक्स जो था लगभग 50% अप था, मिड कैप लगभग 45% अप था। ऐसे कम साल आते हैं, शायद 10 साल में 2-3 साल आते हैं जब इस तरीके के रिटर्न्स आते हैं और मेकअप करते हैं, तभी हम बोलते हैं कि टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा बस ये कहना है कि जब भी हमने शार्प रिटर्न्स देखे हैं तो हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि थोड़ा पुल बैक आ सकता है। अगर कोई एक इंडेक्स ही 50% ऊपर है तो 5-10% का पुल बैक जो है वो नॉर्मल है मार्केट में, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा था उसका कुछ ग्लिम्स। आप देखिए स्टेट इलेक्शन से पहले एक दिन मुझे याद है स्मॉल कैप इंडेक्स 6% एक दिन में गिरा था। 2017 में स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न बहुत अच्छा था, 2018 में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था जबकि निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई थी। तो थोड़ा वॉलिटिलिटी आ सकती है कुछ पॉकेट्स में मार्केट के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्मॉल मिड कैप बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, बट कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ जो इंडिया के बारे में अच्छी है, अगर आप देखें हम देखते हैं मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है। थोड़ा सा इसको अगर रिवाइंड करेंगे आप, अगर 4 साल का निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न कुछ 75-80% है, और आप 4 साल जैसे FY20 से FY24 का अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो लगभग लगभग 20-21% है। तो जो ग्रोथ आया है मार्केट में वो उस हिसाब से EPS भी बढ़ा है। तो आज हम 21 times फॉरवर्ड हैं जो कि थोड़ा हायर है, बट अगर आप देखेंगे इंडिया अकेला ऐसा मार्केट है जहाँ अर्निंग अपवर्ड रिवाइज हुआ है, बाकी हर जगह अगर आप एक जेफरी का रिपोर्ट देखेंगे अर्निंग डाउनवर्ड रिविजन हुआ है। तो अब ग्रोथ को एक प्रीमियम मिलता है जो हमें मिल रहा है। मेरा ये मानना है अगले साल में FIIs शायद लौटेंगे जैसे जैसे रेट कट होगा, डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, और जब FIIs लौटेंगे तो थोड़ा सा प्रेफरेंस शायद लार्ज कैप की तरफ हो सकता है या top 100 stocks में हो सकता है, तो थोड़ा सा फोकस वहाँ पे ज़्यादा करें। तो थोड़ा सा बॉन्ड पोर्टफोलियो पे भी ध्यान दें, इंडिया का बॉन्ड इंक्लूजन होना है इस साल जून में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। RBI भी मुझे लगता है रेट कट शुरू करेगा जैसे जैसे ग्लोबल रेट ईज होंगे, और थोड़ा सा मार्क टू मार्केट गेन वहाँ भी आ सकता है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि 10-year bonds में भी अच्छा अर्ली डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है, तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखेंगे तो ये साल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखिए, बट नेट नेट सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी की बात है नहीं जहाँ तक बाजार का सवाल है। रेट कट के आपने मेंशन किया सर, काफ़ी इस समय विवाद बन रहा है कि कितने रेट कट आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, कितना क्वांटम रह सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी उस पर क्या प्रेडिक्शन है? तो वो एक रिस्क भी है और वही एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट को लेके। आपने अच्छा पॉइंट बोला क्योंकि बाजार जो US का है वो 150 basis points रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर का, और मार्च से ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहला रेट कट होगा, जबकि फेड ने जो अपने दिसंबर FOMC मीट थी वहाँ पे 3 rate cuts जो उनका जो प्लॉट करते हैं वो किया। तो अगर इसमें डिले होता है और कम रेट कट होते हैं तो थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप 10-year US भी देखेंगे वो 5.5-5.5 से अब 3.80 आ गया है, तो लगभग लगभग 125-150 basis points का रेट कट प्राइस कर रहा है। तो इसमें अगर कुछ भी डिले होता है या फिर थोड़ा इन्फ्लेशन अगर वापस आता है तो ये बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन डायरेक्शनली अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 3 से 4 rate cuts US में होंगे, और मुझे ये भी लगता है कि RBI भी हो सकता है रेट का, अगर US में जल्दी रेट कट होता है मार्च तक होता है तो हो सकता है हमें भी इलेक्शन के पहले एक रेट कट देखने को मिल सकता है। और हम RBI ने बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रखा, अगर आप देखें हम काफ़ी पहले पॉज हो चुके थे, फेड का पॉज बाद में आया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन्फ्लेशन नीचे रहा, जो कि मुझे उम्मीद है रहना चाहिए अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम से वापस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट हो, जो भी एक पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन चालू है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसराइल हमस है, और US और चाइना के भी ट्रेड टेंशनस हैं, तो ये थोड़ा एक आस्पेक्ट देखना पड़ेगा। अगर रेट का डिले होता है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। रेट का डिले नहीं होना चाहिए, बस ये एक बात है इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज तो बाकी सब अच्छा ही दिख रहा है। बताएं सर, फिर आपको सेक्टर वाइज क्या फेवर में इस समय दिख रहा है, थोड़ा रोटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, कहाँ पर रहेगा एक्शन ज़्यादा? बिल्कुल, आपने ऑलरेडी देखा ही है रोटेशन। आप देखिए कैसे फार्मा में, लिमिटेड केमिकल स्टॉक्स में, आप देखिए IT इंडेक्स ने बैंक इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है 2023 में, काफ़ी लंबे मार्जिन से किया है, जबकि IT को लेकर आउटलुक बहुत ग्लूमी था, और पिछले 2-3 महीने में हमने देखा कि जैसे ही US में पॉज आया और रेट कट्स की बात शुरू हुई NASDAQ बढ़ा और IT में भी फॉलो थ्रू आया। तो थोड़ा सा कुछ पोर्टफोलियो को आपको कॉन्ट्रेरियन भी होना पड़ेगा।
हमें कुछ थीम्स बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है आप देखिए पूरे साल में बैंक निफ्टी सिर्फ 12% ऊपर गया है। अगर आप 10 साल का प्राइस बुक रेशियो देखें इंडियन बैंक्स का, पूरे बैंक इंडेक्स का, तो 2.8 है, अभी 2.3 पे है। तो सारे बैंक्स बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस में हैं और मुझे लगता है 15% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ और 15% आरओई देने वाले काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। HDFC है, ICICI है, एक्सिस है, कुछ छोटे बैंक्स हैं, तो काफ़ी काफ़ी स्पेशल। कुछ PSU बैंक्स भी अच्छे लगते हैं हमें, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक्स मुझे लगता है वो क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। दूसरा मुझे लगता है इंडिया बहुत समय बाद एक कैपेक्स साइकिल में आया है, 10-12 साल बाद एक कैपेक्स साइकिल शुरू हुई है और ये यूजली मल्टी ईयर होती है, खाली एक साल नहीं होती है। अगर आप देखें जो कैपिटल कैपेक्स को मेजर करते हैं, ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, वो अभी भी 500 बेसिस पॉइंट्स नीचे है 2010 के लेवल से। तो काफ़ी काफ़ी स्कोप है उसमें बढ़ने का। तो आप कैपेक्स को EPC कंपनीज के थ्रू खेल सकते हैं, पावर कैपेक्स के थ्रू खेल सकते हैं, सीमेंट के थ्रू खेल सकते हैं, पाइप्स केबल्स वायर्स के थ्रू खेल सकते हैं। तो ये सेक्टर हमें, और मुझे लगता है कॉर्पोरेट कैपेक्स भी है और हाउसिंग कैपेक्स भी है, दोनों साइकिल एक साथ आ रही हैं अगर आप रियलिटी की सेल्स देखेंगे। तीसरा एक सेगमेंट जो हमें काफ़ी पसंद है वो लग्जरी सेगमेंट है, प्रीमियमाइजेशन है। और अगर आप देखें नॉमिनल GDP टू कंजम्पशन एक रेशियो होता है, इंडिया का पिछले दशक में 1.1 था, ये दशक में 1.4-1.5 होगा जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा GDP बढ़ेगी। तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, आप होटल बिजनेस देखिए, हॉस्पिटैलिटी देखिए, ट्रैवल देखिए, ज्वेलरी सेल्स देखिए, वॉच लग्जरी वॉच मेकर्स को देखिए, आप रियलिटी सेल्स भी देखेंगे तो जो अफ्लुएंट अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा रोबस्ट सेल है, जो 4-5 करोड़ से ऊपर के अपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो प्रीमियमाइजेशन है, जैसे जैसे पर कैपिटा बढ़ता है, इस पर भी हम काफ़ी बुलिश हैं। तो प्रीमियमाइजेशन थीम है आपके लिए, फाइनेंशियल्स तो हैं फोकस में, और ऑफकोर्स प्राइवेट स्पेंडिंग, ये एक इंटरेस्टिंग थीम बन सकती है। सर, बैंक्स के कुछ अपडेट आए हैं पिछले 2 दिनों में, उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितना हम पिछले 4-5 क्वार्टर से यूज्ड टू हो गए हैं। थोड़ा रैशनलाइजेशन अब दिख रही है जहां तक लोन ग्रोथ का सवाल है, थोड़ा कासा रेशियो भी कुछ बैंक्स के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिर कर आए हैं। हमेशा होता है क्योंकि रेट हाई का लैग इफेक्ट आता है और थोड़ा मॉडरेशन होगा, बट जैसा मैंने बोला है कि मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट ग्रोथ मिड डबल डिजिट से नीचे आएगी। कुछ एक बैंक्स में आ सकती है, वो कुछ कुछ पॉकेट्स में क्रेडिट ग्रोथ कम आएगी, कुछ में अच्छी आएगी, बट जो अच्छे बैंक्स हैं मुझे लगता है अभी भी 15% ग्रो कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कॉर्पोरेट लोन बुक भी बढ़ रहा है, खाली रिटेल जो एक इंजन था क्रेडिट ग्रोथ का वो अकेला नहीं है। आप SME बुक भी देखेंगे, वहाँ भी काफ़ी अच्छा जो है आपको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट यह है कि जो बैंक की बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी है। RBI देखिए अनसिक्योर्ड लोन को लेकर वरी था, तो उन्होंने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए, प्रोविजनिंग बहुत अच्छी है बैंक की, आप PCR रेशियोज देखिए काफ़ी अच्छे हैं। मैंने कभी PSU बैंक्स में 0.7-0.8 NPA रेशियो नहीं देखा पिछले 10-12 साल में। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट NPA 0.75 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 0.7-0.8 है, तो अच्छी प्रोविजनिंग है। कॉर्पोरेट में डेट इक्विटी रेशियो कम है, केपेक्स साइकिल चालू हो रही है, यूटिलाइजेशन जो अक्रॉस इंडस्ट्री 75-80% है, तो मुझे क्रेडिट ग्रोथ को लेकर कुछ होने तो रेट कट जब शुरू होगा तो ये मॉडरेशन भी रिवर्स होगा। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बट अदरवाइज आपको यहाँ पर अच्छा आउटलुक बनते हुए दिख रहा है। बैंक्स पर ऑफकोर्स रखनी तो पड़ेगी हमें नजर। अच्छा सर, IT पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि पिछला साल नैसडैक के लिए तो शानदार था, 44% की रैली आई, हमारा IT इंडेक्स भी 20% दौड़ा है, पिछले कुछ महीनों में IT स्टॉक्स में तेजी आई है, इस साल IT की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? मुझे लगता है थोड़ा कॉमेंट्री का वेट करना चाहिए, मेरा ये मानना है क्वार्टर तो थोड़ा सॉफ्ट ही होगा, बट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कमेंट्री में आपको आउटलुक चेंज होता है, जैसे नतीजे 11-12 जनवरी से आना शुरू होंगे, अगर वो आउटलुक बढ़ाते हैं अगले साल का, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा। और हमने कॉग्निसेंट के जो नंबर देखे थे वो थोड़े मिक्स नंबर थे, कुछ पॉजिटिव्स थे उसमें, कुछ अभी भी नेगेटिव थे। एक अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है, कुछ लार्ज कैप IT कंपनी में ऑनसाइट रेशियो बढ़ रहा है, जो कि अच्छा है, डायरेक्शनली बहुत अच्छा है। तो मैं आउटलुक अवेट करूंगा। मिड कैप IT में वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, जो स्टॉक्स अच्छे हैं वो ऑलरेडी 50-60 के अर्निंग मल्टीपल पे हैं। लार्ज कैप IT में थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर है, वो कमेंट्री आप देख के करेंगे, बट IT में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर आपको पेशेंस है 1-2 क्वार्टर का, थोड़ा अगर आप स्टैगर्ड अप्रोच रख सकते हैं, तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है लार्ज कैप IT में स्पेशली। अच्छा सर, आपने लार्ज और मिड कैप IT का डिफरेंशिएशन करा, जरा बाजार में भी एक बार नज़र डालिए, लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप की जो डिबेट चल रही है काफ़ी महीनों से, इस साल कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने दिए हैं, इस साल थोड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, ये 40-50% रिटर्न हर साल नहीं बनेंगे,
और ये एक्चुअली बुल मार्केट में नहीं समझ में आता है, जब एक पुल बैक होगा तब शायद आपको रियलाइजेशन होगी। और आप देखिए, अगर 10 साल के रिटर्न देखेंगे दीपांशु जी, अगर आप बीएससी के बीएससी मिड कैप के बीएससी स्मॉल कैप में, तो 100-200 बेसिस पॉइंट्स का यू नो डाइवर्जेंस होता है। बट एक चीज़ जो डिफरेंट है इस बार के स्मॉल मिड कैप में, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ 40-50, कि पहले बहुत सारी मिड कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में जो सेकेंड जनरेशन आ रहे हैं प्रमोटर्स की है, उनका आउटलुक चेंज हुआ है। वो बैलेंस शीट्स को अच्छा क्लीन रखना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स लाना चाहते हैं, प्रोसेस उनको उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो गेम है वो वेल्थ क्रिएशन का है, कैश विड्रॉल करके इधर उधर डाइवर्जन करके नहीं है। तो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट इंडिया में। बट उस ये बोला है कि मैं 40-50% इंडेक्स हर साल ग्रो करेगा, ये और इसमें होगा क्या कि या तो स्मॉल मिड कैप इंडेक्स नीचे आएगा या और लार्ज कैप ऊपर जाएगा, या स्मॉल मिड कैप इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा और थोड़ा सा लार्ज कैप कैचअप करेगा। तो थोड़ा सा बैलेंस रखिए। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हालांकि स्मॉल मिड कैप हैं बट सेक्टर लीडर्स हैं। सबसे बड़ी केबल एंड वायर कंपनी लार्ज कैप नहीं है, सबसे बड़ी टाइल और सेरेमिक कंपनीज लार्ज कैप नहीं है, सबसे बड़ी डिपॉजिटरी मिड कैप है, सबसे बड़ा इथेनॉल प्ले स्मॉल और मिड कैप है। तो आप उसको उतना वाटर टाइट मत करिए, बट थोड़ा सा केयरफुल रहिए वैल्यूएशंस के लिए, बस मेरी इतनी सलाह। थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन इस साल आपको ध्यान उस पर ज़्यादा देना पड़ेगा, बट अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। बाजार पर आउटलुक भी सर का लार्जली पॉजिटिव ही है, अच्छा सब कुछ दिख रहा है, करेक्शन आए वो तो पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ ही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना नज़रिया भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के CIO और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्डा साहब अपना व्यू शेयर करते हुए।